हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम सभी ईबीएस चैप्टर 5 की बुक बी की से सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, है ना। एंड आपको बुक शेयर कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे, ओके। फोन टच नहीं करेंगे। मैम कौन सी बुक है बेटा? अभी मैं बुक शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे देखना है, कोई बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और बुक शेयर की जा रही है इसी पे सब देखेंगे, अपनी बुक में भी नहीं देखेंगे, ओके। Yes, ma'am. चलिए सभी को स्क्रीन पे भी बुक दिखने लगी होगी, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी अपना माइक सभी ऑफ कर लीजिए, सभी अपना माइक ऑफ करिए, जिससे हम पूछेंगे वो अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे, ओके। Yes, ma'am. Our first topic is helping hand. Helping hand means जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे आसपास, हमारे नेबरहुड में, हमारे घरों में, हमारे पास कितने हेल्पिंग हैंड्स हैं, कौन कौन हमारी हेल्प करते हैं, यही आपने पढ़ा था चैप्टर 5 में। अभी हम लोग पिक्चर देख के पहचानेंगे हु इज दिस, ओके। सो लुक एट द पिक्चर नंबर 1 एंड आदर्श गुप्ता टेल मी हु इज दिस। लुक एट द पिक्चर नंबर 1। मैम दूध मैन। दूध मैन नहीं बोलते बेटा, मिल्क मैन। क्या बोलेंगे हम इसे? मिल्क मैन। मिल्क मैन, ओके। प्रज्वल, मिल्क मैन की स्पेलिंग क्या होगी बेटा? ऑन द माइक टेल द स्पेलिंग ऑफ मिल्क मैन। नहीं पता? आराध्या आप बताइए बेटा। आराध्या, M I L K, milk, M A N man, milk man. Very good. M I L K, milk, M A N man, milk man. And man. Okay. चलिए भी सौरभ सैनी, you tell. सौरभ सैनी on the mic. Tell the spelling of milk man. M I L K, milk, M A N man, milk man. Okay. M I L K, M A N. Mahima, you tell spelling of milk man. बेटा माइक ऑन करके आंसर देंगे, सभी का माइक ऑफ रहेगा, जिससे पूछेंगे अपना माइक ऑन करेंगे, ठीक है। ओके प्रज्वल, अभी आपको समझ आया? प्रज्वल चलिए माइक ऑन करिए, आप बताइए स्पेलिंग ऑफ मिल्क मैन, जल्दी से माइक ऑन करिए। आदर्श सिंह बेटा, यू टेल। आदर्श सिंह, ओके ओके। लुक एट द पिक्चर नंबर बी, हु इज दिस? Devansh, you tell. On the mic, Devansh. Look at the picture number B. किसका पिक्चर है ये? Devansh, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हैं। शम्या बेटा, you tell. Security guard. Security guard. आप तो वॉचमैन भी कह सकते हैं ना, वॉचमैन, W A T C H M A N, वॉचमैन। आदर्श यादव और जानीपुर, टेल द स्पेलिंग ऑफ वॉचमैन। बेटा माइक ऑन करके आंसर देते हैं मैम। W A T C H M A N, यस। आई हैव, यू टेल स्पेलिंग ऑफ वॉचमैन। यस मैम। मैम W A T C H watch, M A N man. No, W A T C H watch, M A N watchman. आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी लिखेंगी तो स्पेलिंग क्या लिखेंगे सिक्योरिटी गार्ड की? S
E-C-U-R-I-T-Y G-A-R-D ओके कर लेंगे. लुक एट द पिक्चर नंबर सी. विद दिस आराध्या यू टेल मैम वॉचमैन सी नो न्यूज पेपर बॉय. पिक्चर नंबर सी देखिए बेटा एंड टेल हु इज दिस. N-E-W-S-E No, N-E-W-S only. N-E-W-S Newch P-A-P-E-R बोलेंगे भी आराध्या से पूछ रही हूँ मैं. जो भी साथ में बोलेगा उसको मैं रिसेप्शन से रिमूव करूंगी. N-E-W-S न्यूज P-A-P-E-R पेपर या मैं न्यूज पेपर में न्यूज पेपर बॉय. ओके यस दिव्यांशु बेटा यू ऑन द माइक टेल द स्पेलिंग ऑफ न्यूज पेपर बॉय. N-E-W-S-H-A-P-E-N वॉट बेटा क्या बोल रहे हो. N-E-V-S-H-A नो रॉन्ग बता. N-E-V-S नो बेटा आपने स्टॉप आपने सुना ही नहीं ध्यान से भैया आराध्या ने बताया इतना अच्छा है सुनते ही नहीं तो कैसे बोलेंगे. रौनक आप बताइए रौनक ऑन द माइक टेल द स्पेलिंग ऑफ न्यूज पेपर बॉय. रौनक ऑन द माइक यश टेल द स्पेलिंग N-E-W-S P-A-P-E-R पेपर न्यूज पेपर और बॉय की अभी सुना आपने दिव्यांशु भी सुना आपने N-E-W-S न्यूज P-A-P-E-R पेपर B-O-Y मैम हम बोले P-A-P-E-R पेपर B-O-Y बॉय. ओके सभी लोग कर लेंगे ना. एंड नंबर डी नंबर डी देखेंगे सभी. बार बार कोई फोन नहीं टच करेगा बेटा आप बार बार फोन टच करेंगे तो आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई देगी. ओके इसलिए सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे बार बार कोई फोन टच नहीं करेगा. मैम जिसका नाम लेंगी वो माइक ऑन करके आंसर देंगे ठीक है. सौरभ सैनी यूटल सौरभ सैनी यूटल स्पेलिंग ऑफ इज दिस बेटा पहचाने पहले. मैम वो गार्डन की गार्डनर वेरी गुड गार्डनर टेल द स्पेलिंग ऑफ गार्डनर. G-A-R-D-E-N-E-R गार्डनर G-A-R-D-E-N-E-R गार्डनर. ओके आदर्श गुप्ता यू टेल स्पेलिंग ऑफ गार्डनर. G-A-R-D-E-N-E तो बेटा रॉन्ग बता रहे हैं आप थोड़ा सा रॉन्ग बताया आपने. सौम्या G-A-R-D-N-E-R नो बेटा आप सुनो पहले अभी. सौम्या यू टेल सौम्या की आवाज ही नहीं आ रही आज. महिमा महिमा यू टेल महिमा ऑन द माइक. यस मैम G-A-R-D-N-E-R यस मैम. महिमा टेल बेटा चुप हो जाइए. आदर्श आदर्श वर्मा एंड आदर्श सिंह दोनों लोग चुप होइए पहले. मैम G-A-R-D-N-E-R G-A-R-D-E-N-E-R गार्डनर. ओके आराध्या अपना फोन सही करिए. ओके सभी को समझ में आ गया कर लेंगे सभी.
सार्थक आप बताइए, सार्थक टेल द स्पेलिंग ऑफ गार्डनर, सार्थक। अच्छा बनता आप जल्दी से माइक ऑन करिए, बहुत टाइम टाइम लेते हो। जी ए आर डी ई एन टी आर गार्डनर। ओके मानसी, मानसी ऑन द माइक, मानसी, मानसी आपसे पूछ रही हूँ मैं, टेल द स्पेलिंग ऑफ गार्डनर। माइक ऑन करके अंदर दीजिए, अदरवाइज आपको शीशे से रिमूव किया जाएगा। आप दोनों पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं और मैं बोल रही हूँ सुनाई भी नहीं दे रहा है दोनों को। आदर्श वर्मा यू टेल। आदर्श वर्मा टेल द स्पेलिंग ऑफ गार्डनर। एन जी ए आर डी ई एन ई आर गार्डनर। गुड, वेरी गुड। चलिए माइक ऑफ कर लो अपना भी। यस प्रज्वल, प्रज्वल आप बताइए बेटा स्पेलिंग ऑफ गार्डनर। प्रज्वल क्या है, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। प्रज्वल बोलो तो सही, आप पहले बोलिए कुछ। मैम जी ए आर डी एन ई आर गार्डनर। ओके तो सभी लोग इसको कर लेंगे है ना। यस मैम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.1 हेल्पिंग हैंड्स, दिस वर्क यू हैव टू डू टुडे। ओके आज ही करना है अपनी बुक बी में। एंड लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। अभी सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दीज सेंटेंसेस हैव नेम ऑफ इनकरेक्ट हेल्पर, मतलब सेंटेंस में हेल्पर का जो नेम है आया है वो गलत तरीके से राइट किया, गलत लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, राइट द करेक्ट नेम्स, आपको हेल्पर के करेक्ट नेम राइट करना है। ओके लुक एट द सेंटेंस, पिक्चर भी देखेंगे साथ में। इट इज द पिक्चर ऑफ सिक बॉय, मतलब ये बीमार बच्चा है, लेटा हुआ है, एंड हिज सिस्टर इज हेल्पिंग हिम, है ना। देखिए उसका बॉय की जो सिस्टर है वो क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिए सभी। सुन बेटा, सभी लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात। यस मैम। बॉय जो है वो बीमार है और उसकी जो सिस्टर है, उसकी बहन जो है वो सी इज वेरी सैड एंड सी इज सेइंग दैट माय ब्रदर इज डाउन विद फीवर। फीवर मींस अभिनव, फीवर मींस बुखार, बुखार, बुखार। मेरा भाई जो है वो बुखार से डाउन हो गया है, मतलब उसकी हेल्थ खराब हो गई है। आई शुड कॉल अ पुलिसमैन, मुझे पुलिसमैन को बुलाना चाहिए, क्या सही है ये? क्या बुलाना चाहिए? नो, आई शुड कॉल डॉक्टर, आई शुड कॉल डॉक्टर, मैम डॉक्टर, यस डॉक्टर, आई शुड कॉल अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बुलाना चाहिए। चलिए डॉक्टर की स्पेलिंग बताएंगे सार्थक। सार्थक ऑन द माइक, टेल द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर। M-D-O-C-O-T-O-R। बेटा आप रॉन्ग बता रहे हैं आदर्श, मैं सार्थक से पूछ रही हूँ, मेरे सार्थक बोलेंगे। टेल द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर। मैम डी ओ सी टी ओ आर। यस डी ओ सी टी ओ आर, गुड। अभी आप बताएंगे अमर, अमर यू ऑन द माइक, अमर ऑन द माइक एंड टेल द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर। यस डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर। आदर्श सिंह अभी आप माइक ऑन करिए, आंसर देने के बाद फिर माइक ऑफ कर लेंगे। आदर्श सिंह ऑन द माइक, टेल द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर। M-D-O-C-T-O-R, मैम डॉक्टर। गुड, वेरी गुड। ऐसे ही जब पूछा जाए तब माइक ऑन किया करो बेटा, ओके चलिए ठीक है। सो सिस्टर को क्या बुलाना चाहिए, उसे डॉक्टर बुलाना चाहिए। लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, आई नीड अ हेयर कट बिफोर आई गो बैक टू स्कूल। आई नीड अ हेयर कट बिफोर आई गो बैक टू स्कूल, मुझे बाल कटवाने की जरूरत है स्कूल दोबारा जाने से पहले।
क्योंकि घर रहते रहते बाल बड़े हो गए हैं और मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो बाल कटवाना है। आई शुड गो टू अ टेलर, तो मुझे टेलर के पास जाना चाहिए। यस आई हैव महिमा, अगर हमें बाल कटवाना है तो मुझे टेलर के पास जाना चाहिए? नो 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 मैम। किसके पास जाना चाहिए बेटा? जाना चाहिए, जाना चाहिए टेलर के पास। टेलर बाल काटेगा? आपने टॉपिक समझा ही नहीं है, गलत बोल रही हैं आप। अभिनव यू टेल, आई शुड गो टू अ टेलर के पास मैम, ना जाना चाहिए। हाँ शो वेयर आई शुड गो, कहाँ जाना चाहिए मैं बाल कटवाने के लिए? हेयर कट मैम, हेयर कट, हेयर ड्रेसर है ना, हेयर कट, हेयर ड्रेसर के पास। तो हमें यहाँ पे क्या राइट करना है? हेयर ड्रेसर। हु विल टेल मी द स्पेलिंग ऑफ हेयर ड्रेसर? जिसको भी स्पेलिंग पता है वो हैंड शो करिए जल्दी से। कौन बताएगा स्पेलिंग हेयर ड्रेसर की? देखते हैं किसको पता है। अमर ने हैंड शो किया है, आदर्श सिंह ने हैंड शो किया है, और आगे देख लेती हूँ किसका हैंड शो है भी। अभिनव को भी पता है, सौरभ सैनी, दिव्यांशु को नहीं पता, रौनक को भी नहीं पता, अहम को पता है, वेरी गुड, आदर्श यादव को भी पता है, देवेश को कुछ नहीं पता, हैंड शो नहीं करते एक बार भी, आदर्श वर्मा को भी पता है, वीरुमांसी को सुनते ही नहीं है, वीरुमांसी व्हाट आर यू डूइंग, सार्थक को भी पता है, ओके एंड लेट मी चेक, आराध्या को नहीं पता, प्रज्वल को भी नहीं पता। चलिए ठीक ठीक है, अभी बताएंगे। आदर्श वर्मा, आदर्श वर्मा ऑन द माइक, टेल द स्पेलिंग ऑफ हेयर ड्रेसर। M H E R hair, बेटा रॉन्ग रॉन्ग बता रहे हैं आप, हेयर की स्पेलिंग भी रॉन्ग बताया, ड्रेसर की स्पेलिंग भी रॉन्ग बता रहे हैं। चलिए प्रज्वल को भी आ गया है, प्रज्वल टेल ऑन द माइक, प्रज्वल जल्दी से माइक तो ऑन करो बेटा, पहले माइक ऑन करिए, माइक ऑफ है आपका। Yes, tell. Ma'am, H-A-I-R. Very good. Hair, S-H-O-W. So, no, hair की spelling हमने सही बताया, but dresser की spelling होती है D-R-E-S-S-E-R, dresser. D-R-E-S-S-E-R, dresser, hair dresser. चलिए अभी आदर्श सिंह, आदर्श सिंह आप बताइए। आदर्श सिंह ऑन द माइक। मैम हम बताएं, हम सबसे पूछेंगे बेटा, वेट कर लो दो मिनट, आदर्श की आवाज नहीं आ रही तब तक बताएंगी। स्वर्णिमा, स्वर्णिमा यू टेल, स्वर्णिमा ऑन द माइक। एच ए आर हेयर डी आर ई डबल एस ई आर ड्रेसर। वेरी गुड अहम, यू टेल अहम ऑन द माइक, टेल द स्पेलिंग ऑफ हेयर ड्रेसर। मैम एच ई आर हेयर डी आर डी आर ई डबल एस ई आर ड्रेसर। बेटा आपने हेयर की स्पेलिंग रॉन्ग बताया है, हेयर की स्पेलिंग क्या होती है महिमा, यू टेल। मैम एच ई आर, नो आपको भी नहीं पता, ए आई आर। पांडे बताए, अभिनव पांडे बताइए बेटा, बताइए। एच ए आई आर मैम, एच ए आई आर, हाँ एच ए आई आर, ओके चलिए वेरी गुड। अभी अभी रौनक के पीन ने भी हैंड शो किया, रौनक बेटा टेल, रौनक टेल द स्पेलिंग ऑफ हेयर ड्रेसर। रौनक ऑन द माइक बेटा, जल्दी करो बेटे, टाइम अभी ओवर हो जाएगा। एच ए आई आर डी आर ई डब्ल्यू एस ई आर, ओके कर लेंगे सभी है ना। पिक्चर नंबर सी, पिक्चर नंबर सी, द गर्ल इज सेइंग दैट आई नीड टू रिपेयर माई शू, आई नीड टू रिपेयर माई शू, आई नीड टू गो टू अ फ्लोरिस्ट, मेरे शू जो है फट गए हैं और उसकी मुझे रिपेयर करवाना है,
इसके लिए मुझे फ्लोरिस्ट के पास जानने की जरूरत है। मैम कॉबलर के पास। यस। फ्लावरर के पास। आई नीड एम सी ओ डबल नम सी ओ डबल बी एल ई आर कॉबलर सी ओ डबल बी एल ई आर कॉबलर सी डबल बी एल ई आर ओ डबल बी एल ई आर। सभी ने रॉन्ग बताया। मैं किसी का आंसर नहीं सुनूंगी क्योंकि आप लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते। इस वजह से मैं अभिनव से भी नहीं पूछूंगी और अभी आदर्श यादव और जानीपुर इनसे भी नहीं पूछूंगी। बीच में और किसने बोला है? आदर्श सिंह ने बोला शायद। आदर्श सिंह को मैं देखा नहीं। जो बीच में बोलेगा उससे मैं नहीं पूछूंगी, पक्का नहीं पूछूंगी। जो हैंड शो करेंगे बस उसी से पूछूंगी। चलिए बेटा आराध्या आप बताइए। नो आई शुड गो टू ऑन द माइक बेटा। यस मैम। कहाँ जाना चाहिए हमें? आराध्या को नहीं पता। ओके चलिए आराध्या नहीं बताएंगे तो अमर बताएंगे। अमर अमर ऑन द माइक। यस मैम। चल मैम क्लोवर के पास। क्लोवर नहीं कॉबलर। कॉबलर की स्पेलिंग क्या होती है? टेल मैम सी ओ डबल बी एल ई आर कॉबलर। कॉबलर ओके सी ओ डबल बी एल ई आर कॉबलर। एंड सौरभ सैनी ऑन द माइक। सौरभ सैनी टेल द स्पेलिंग ऑफ कॉबलर। C-O-B-L-E-R Cobbler. Okay, Devesh. Devesh on the mic. Devesh. Yes, ma'am. You tell spelling of cobbler. Ma'am, C-O-B-L-E-R. Ma'am, C-O-B-L-E-R. Ma'am, C-O-B-L-E-R. आपको लर्न ही नहीं है, आधा आधा बोल रहे हैं। सी ओ डबल बी एल ई आर होता है। आदर्श वर्मा यू टेल। आदर्श वर्मा टेल बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आदर्श मैम सी ओ डबल बी ई आर एल ई आर सी ओ डबल बी एल ई आर कॉबलर। दिव्यांशु Divyantu, you tell spelling of cobbler. On the mic, beta. Ma'am, C-O-B-B-L-E-R, cobbler. Okay. चलिए, very good. सभी लोग कर लेंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I cannot understand this lesson. The girl is saying that I cannot understand this lesson. मुझे ये lesson में इस lesson को समझ नहीं सकती। I should go to a doctor. तो मुझे doctor के पास जाना चाहिए। सही? Is it correct? अगर आपको ये lesson समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाएंगे दिव्यांशु? No ma'am. मैम स्कूल में। स्कूल में जाएंगे? स्कूल बता देगा मैम। मैम लाइब्रेरी में टीचर के पास जाना चाहिए। हम टीचर के पास। ठीक है ठीक है। किसने लाइब्रेरी बोला है? लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे। टीचर पढ़ाता है, टीचर आपको लेसन समझाएगा। नहीं ना तो लाइब्रेरी ना ही स्कूल। स्कूल में आप टीचर के पास जाएंगे। साइलेंट रहे बेटा। बीच में कौन बोल रहा है? बैड हैबिट। जिसे हम पूछेंगे पहले उसको बताना है ना। आदर्श सिंह यू टेल स्पेलिंग ऑफ टीचर। ओके बीरू। बीरू यू टेल स्पेलिंग ऑफ टीचर ऑन द माइक। बीरू ऑन द माइक एंड टेल स्पेलिंग ऑफ टीचर। मैं बता लेती हूं।
बेटा बोलिए जल्दी, आपसे जब भी पूछती हूँ आप लोग एक घंटे लेते हैं। मैम टीचर टीचर ओके आराध्या गुड बेटा टी ए सी एच ई आर सभी लोग कर लेंगे है ना। यस मैम। ओके एक्सरसाइज नंबर सी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। अब हेल्प बॉक्स में कई सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, कंट्रोल, हेल्प, मैन, हेयर कट, टीच, पुट आउट, सिक। ओके अब हमें करना क्या है, इस सेंटेंसेस को फिलअप करना है प्रॉपर वर्ड चूज करते हुए। आदर्श वर्मा बेटा आप थोड़ा दूर बैठिए फोन से। लुक एट द सेंटेंस नंबर वन। डॉक्टर, डॉक्टर कहता है आई हेल्प यू व्हेन यू आर, मैं आपकी हेल्प करता हूँ जब आप क्या होते हैं अनुष्का मैम बीमार पड़ जाते हैं। बेटा इस बॉक्स से वर्ड चूज करना है हमें। इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, इसमें से वर्ड क्या वर्ड यहाँ पे रखेंगे हम, कंट्रोल, हेल्प, मैन, हेयर कट, टीच, पुट आउट, सिक, क्या होगा यहाँ पे अनुष्का मैं आपसे पूछ रही हूँ। बीच में नहीं बोलेंगी राधा, साइलेंट, अनुष्का को बोलने दो पहले। हेल्प नहीं चाहिए हमें डॉक्टर से, डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे जब आप बीमार होंगे। बीमार होने की इंग्लिश क्या होती है दिव्यांशु? मैम देखिए यहाँ पर राइट है, बॉक्स में लिखे वर्ड्स को ध्यान से देखिए सभी। मैम सिक, सिक, यस, एस आई सी के, सिक। ओके डॉक्टर इज सेइंग दैट I help you when you are sick. मैं आपकी help करता हूँ जब आप sick होते हैं। Sick means बीमार होना। Okay? समझ में आया? Yes, ma'am. Next, teacher is saying that I, you. यहाँ पे कौन सा word हम write करेंगे? I, you. सार्थक, सार्थक ऑन द माइक, विच वर्ड वी हैव टू राइट हियर फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से वर्ड चूज करें यहाँ पे राइट करने के लिए। हरी अप, टेल, कंट्रोल, टीचर आपको कंट्रोल करता है या हेल्प करता है या मेंड करता है या हेयर? मैम हेल्प, हेल्प। आदर्श सिंह ऑन द माइक। मैम टीच, टीच नहीं होता, टीच, टीच, टीच। ओके टीचर टीच यू, टीचर सेइंग दैट आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। नहीं पढ़ाती, पढ़ाती हूँ। ओके हेयर ड्रेसर इज सेइंग दैट आई गिव यू अ लवली, आई गिव यू अ लवली, मैं आपको देता हूँ प्यारा सा क्या, कंट्रोल, हेल्प, मेंड, हेयर कट, टीच, पुट आउट, सिक, क्या होगा? मैम टीच, मैम हेयर कट, हेयर कट, यस वेरी गुड, हेयर कट, क्या होगा यहाँ पे? हेयर कट, एच ए आर आर, हेयर, हेयर कट। ओके नेक्स्ट, कॉबलर इज सेइंग दैट आई योर शूज, आई योर शूज, आदर्श वर्मा यू टेल, क्या होगा यहाँ पे कॉबलर क्या बोलेगा यहाँ पे? आई योर शूज, कंट्रोल, हेल्प, मेंड, हेयर कट, टीच, पुट आउट, सिक, क्या होगा? पुट आउट, पट आउट नहीं बेटा, रॉन्ग बता रहे हैं आप, पट आउट नहीं पुट आउट होता है, लेकिन पुट आउट यहाँ नहीं फिल करेंगे हम। देवेश यू टेल, देवेश ऑन द माइक। बेटा कॉबलर तो राइट है यहाँ पे, समझ में नहीं आता जो भी मन में आता बोलना शुरू कर देते हो आप। मैं बोल रही हूँ आपको इसी बॉक्स में से जो वर्ड्स है इसी में से वर्ड चूज करना है। मेंड होगा, कंट्रोल नहीं,
कॉबलर का वर्क क्या होता है? कॉबलर मेंड शूज, शूज की मेंडिंग करता है, शूज की मरम्मत करता है, कहीं पे कट गया हो, फट गया हो तो सिलाई कर देता है ना? यस। वीरू एंड मानसी, आप दोनों की ना मैं अभी कॉल करती हूँ, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फायरमैन, व्हाट इज द वर्क ऑफ फायरमैन? फायरमैन इज सेइंग दैट आई फायर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? मैम हेल्प, हेल्प, यस, आई हेल्प यू। व्हेन देयर इज फायर, जब आग लग जाती है तो मैं हेल्प करता हूँ, है ना? तो यहाँ पे हेल्प राइट करेंगे। नेक्स्ट, नर्स इज सेइंग दैट आई द डॉक्टर। मैम पुट आउट, एक मिनट, यहाँ पे फायरमैन में आप लोग कंट्रोल लिखेंगे, ठीक है? कंट्रोल नहीं, कंट्रोल भी नहीं होगा यहाँ पे आपका। मैम पुट आउट, ठीक है, आग को मैं हटाता हूँ, आई पुट आउट फायर। नर्स क्या करेगी? हेल्प डॉक्टर, डॉक्टर की हेल्प करती है हमारी देख रेख करने में, है ना? एंड ट्रैफिक पुलिस इज सेइंग दैट आई ट्रैफिक कंट्रोल, यहाँ पे होगा कंट्रोल, ठीक है? वन मोर टाइम हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं जिसे आप लोग आसानी से वर्क कर सके, ध्यान से देखना सभी, ओके? फिर से बार डिस्कस कर लेते हैं जिसे आप लोग इसको कर लो आसानी से। आई हेल्प यू व्हेन यू आर, आई हेल्प यू व्हेन यू आर सिक, टीचर इज सेइंग दैट सिक, साइलेंट, टीचर इज सेइंग दैट आई टीच यू, हेयर ड्रेसर इज सेइंग दैट आई गिव यू अ लवली हेयर कट, कॉबलर आई मेंड योर शूज, यस, एंड फायरमैन इज सेइंग दैट आई पुट आउट फायर्स, है ना? एंड नर्स इज सेइंग दैट I help the doctor, यहाँ पे help write करेंगे, है ना? And traffic police is saying that I control the traffic on the road. समझ में आ गया? चलेंगे सभी? ओके बेटा? ठीक है, तो दिस इज वर्क फॉर टुडे, ठीक है? आज का वर्क आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 है, नहीं 1, 2 आज कर लेना, 3 वाला कल करना, ओके? समझ में आया? बेबी वाले में क्या रहेगा? हाँ, अभी जब बोलती हूँ तब समझ में नहीं आता है हम, और बाद में पूछते हैं यहाँ पे क्या होगा, यही बैड हैबिट है आप लोगों की, जब पढ़ाते हैं तब ध्यान से नहीं सुनते। एक्सरसाइज नंबर 1 आज करना है, 2 आज करना है, ठीक है? 3 कल का वर्क है, ओके? ए वाले में क्या होगा? डॉक्टर कहता है आई हेल्प यू व्हेन यू आर सिक, ए वाले में सिक होगा, डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं जब हम सिक होते हैं, ओके? ये कल करना है। चलिए, हैव यू एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है किसी को? तुरंत सेशन से एंड होने के बाद, सेशन से लीव होने के बाद सभी लोग तुरंत अपना पहले होमवर्क करके फोटो सबमिट करेंगे, ठीक है? उसके बाद कुछ और करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके, चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।